वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध घेवर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही साथ बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आपको घेवर बनाना बताऊंगी, कुछ दूंगी टिप्स, जिससे कि आपका घेवर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो घेवर है हमारे 25 से 30 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, और जो हम शुगर सिरप वाले घेवर रखेंगे वो हमारे 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे, और जिस घेवर पर हम लगाएंगे रबड़ी वो घेवर जो है हमारे 5 से 7 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा घेवर बना, कितनी अच्छी इसमें जाली आई, आप देख सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये घेवर हमने घर पे बनाया है। और इसके ऊपर की जो हमने रबड़ी बनाई है वो देखिए कितनी सुंदर अट्रैक्टिव लग रही है, खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। आवाज आप सुन सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा घेवर हमारा बना है। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आपका घेवर जो है फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए हलवाई स्टाइल में घेवर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं, क्योंकि रबड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दोनों काम जो हमारे साथ साथ होते रहेंगे। तो गैस पे मैंने 1 kg जो है दूध रखा है, दूध अच्छा गर्म हो गया है, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी बर्तन में हम दूध गर्म करें उसका जो नीचे का जो पेंदा होता है ना वो थोड़ा मोटा हो, जिससे दूध जो है हमारा नीचे से लगे नहीं। आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बीच बीच में जो है हमें इसको लगातार चलाते रहना है, रुक रुक के। आप देख सकते हैं दूध जो है बॉयल होने लग गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी और कम फ्लेम पे जो है दूध को हम पकने देंगे। इधर हम रबड़ी की तैयारी करते हैं, उधर हम घेवर की भी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप भी बना लेते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैं कम कर दूंगी और दूध को पकने देंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पर शुगर ली है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। मैं आज आपको सबसे इजी स्टेप से घेवर बनाना बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए। शुगर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, फुल फ्लेम पे हमें गैस को रखना है। आप देख सकते हैं पानी जो है हमारा शुगर सिरप का अच्छे से बॉईल हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकने देना है। हमें यहाँ पर 1 तार से कम की चाशनी बनानी है, तो 5-7 मिनट हमें इसको पकाना है। मैंने यहाँ पर कुछ केसर के थ्रेड को पानी में भिगो दिया था, ये इसमें हम डालेंगे। इससे घेवर का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर, इससे भी जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें कैसे चेक करना मैं बताती हूँ। थोड़ा सा हम स्पून में लेंगे, जब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तो 2 उंगलियों के बीच में हमें शुगर सिरप लेना है। इस तरह हम लेके और इसको चेक करेंगे। ये देखिए हल्का सा तार बनने लग गया है, इसका मतलब कि चाशनी जो हमारी पककर तैयार हो गई है। तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। रबड़ी के लिए जो हमने दूध चढ़ाया था ना वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको भी हम हिला देंगे। इसमें भी अब हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। कुछ मैंने यहाँ पर केसर भिगो के रखी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे जो है रबड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, बीच बीच में हमें इसको चलाते जाना है। आप देख सकते हैं रबड़ी जो हमारी थिक होने लग गई है, इसमें लच्छे पड़ने लग गए हैं। ये देखिए इसमें अब हम शक्कर मिलाएंगे, 1/4 कप मैं यहाँ पे शक्कर मिलाऊंगी। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब रबड़ी आधी रह जाती है तभी हमें इसमें शक्कर मिलानी है, और अभी हमने इसमें शक्कर मिलाई है तो शक्कर भी अपना पानी छोड़ती है, तो रबड़ी थोड़ी सी देर के लिए पतली हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ना तो वापिस से गाढ़ी हो जाएगी। शक्कर जो हमारी मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इसका पानी जो है छूटने लग गया है। बस 10 मिनट ही हमें इसे कम फ्लेम पे पकाना है। घेवर के जो हम रबड़ी बनाते हैं उसको हमें ज्यादा नहीं टाइट करना होता है, थोड़ा हमें उसको लिक्विड ही रखना है। अब हमें रबड़ी में डालनी है सबसे मेन चीज, वो है हमारा मिल्क पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। यदि हम मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे कि हल्का सा जो है दूध का जो पानी रहता है ना वो निकलने लग जाता है, लेकिन जब मिल्क पाउडर डालेंगे तो रबड़ी जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
और बस 2 मिनट हमें इसको और पकाना है और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि रबड़ी जो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ना वैसे वैसे और गाढ़ी होगी, तो इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ, रबड़ी को ठंडा होने दूंगी। जब रबड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं मिक्सी के जार में। मैं बैटर बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार, इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है, ये देसी घी है। 3 से 4 हम लेंगे आइस क्यूब और आइस क्यूब को हम इसमें डालेंगे और दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, यानी कि ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं घी जो हमारा बिल्कुल जो है क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम चिल्ड पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है हमें। फिर से इसको हम फेंट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मैदा ली है, 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ली है। थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे चिल्ड पानी और इसको फेंटेंगे। हमें एक साथ नहीं फेंटना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसको फेंटना है। अब थोड़ा बेटर हम और डालेंगे और फिर से इसको फेंटेंगे। ऐसे करके 3 से 4 बार में हमें ये मैदा खत्म करनी है, जिससे कि जो है बैटर में हमारे लम्स नहीं रहेगी, गुठलियां नहीं रहेगी। लेकिन जब भी डालेंगे हमें चिल्ड पानी ही डालना है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे और पानी डाल के फिर से हम इसको एक बार मिक्सी में पीसेंगे। टोटल पानी हमारा इसमें 1 लीटर लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करके इसको पीसना है। बेसन डालने से जो घेवर है हमारे जालीदार बनेंगे, बहुत अच्छे हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, इस तरह का बैटर हमें रखना है। अब बैटर में हम मिक्स करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो हमारा बैटर बन गया है, ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि घेवर बनाते समय इसका जो बैटर होता है ना बिल्कुल ठंडा और चिल्ड होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बैटर जो हमारा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम घेवर बनाएंगे। आज मैं आपको चाय कंटेनर में घेवर बनाना बताऊंगी। वैसे तो घेवर बनाने के मोल्ड भी मार्केट में आते हैं, लेकिन सबके पास जो है मोल्ड नहीं होता है। जो भी हम बर्तन ले तो ध्यान रखना है नीचे से उसका पेंदा जो है अच्छा मोटा होना चाहिए। आप चाहे तो इस तरह की कढ़ाई में भी घेवर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। या फिर इस तरह का जो भगोना आता है उसमें भी हम घेवर बना सकते हैं। जो आपके पास बर्तन हो आप किसी में भी घेवर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने घी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा, अच्छा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें घेवर बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं या फिर वनस्पति घी भी आप इसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन यदि आप जैसे घी से घेवर बनाएंगे तो आपके घेवर बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। बैटर को भी मैंने फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। घी अच्छा गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम स्पून की मदद से बैटर को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें सेंटर में ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। इस तरह एक एक स्पून से हम डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है और इस तरह बीच में हम जगह बनाते जाएंगे। इस तरह हल्का सा हमें बीच में से घुमा देना है ताकि अच्छा राउंड बन जाए। आप देख सकते हैं घेवर जो है हमारा चारों तरफ से सिकने लग गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का होने लग गया है। हल्का सा हम इसको दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सिक जाए। ये देखिए कितना अच्छा घेवर बना, आप देख सकते हैं। फ्लेम को हमें कम नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फ्लेम फुल होगी तो घेवर हमारा अच्छा बनेगा। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं एक नाइफ की मदद से। वाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है।
ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, घेवर को बनाकर मैंने एक जाली पे रखा, आप देख सकते हैं नीचे एक प्लेट रख दी है, एक्स्ट्रा घी होगा जो इसमें से निकल जाएगा। इस तरह हमें सभी घेवर बनाने हैं। एक घेवर में आपको और बना के दिखा, नेक्स्ट राउंड भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऊपर से ही डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना बैटर डालना है, बीच के होल को देख के ही आपको पता लग जाएगा। इस तरह हमें बैटर जो ऊपर की ओर से डालना है, इस बात का ध्यान रखें, और बैटर बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। बचा हुआ बैटर आप फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा रहे, थोड़ा सा बैटर आप निकाल के रखें। ये देखिए घेवर हमारा बन गया है, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेंगे। नाइफ की मदद से हमें बड़ी सावधानी से निकालना है। बहुत ही अच्छी जाली बनी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा घेवर बना है, मोटाई भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए सारे घेवर को मैंने एक प्लेट में लगा दिया है, आप देख सकते हैं इतने से बैटर में जो है हमारे 10 से 11 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और कितने अच्छे घेवर बने हैं, बिल्कुल सबका कलर एक सा आया है, एक सी जाली बनी है उसमें। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, आप देख सकते हैं। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, यकीन मानिए घर पे बने हुए घेवर बहुत टेस्टी भी बनते हैं और बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। तो चलिए अब हम शुगर सिरप लगा लेते हैं, और जो हमने रबड़ी बनाई थी वो भी मैं आपको लगाना बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो है हमारे घेवर की कितनी अच्छी जाली आई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे घेवर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मेरे घेवर की रेसिपी में आपने एक बार नोट की होगी, मेरे सभी घेवर में ये जो है ना ऊपर से उठा हुआ कॉर्नर के साइड से आप देख रहे हैं, ये खास तरीका है घेवर बनाने का। इससे पता पड़ता है कि हमारे जो घेवर है बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, और जाली भी जो है बहुत अच्छी आई है। तो चलिए जो हमने शुगर सिरप बनाई थी वो इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। एक के नीचे मैंने एक और घेवर रखा है ताकि शुगर सिरप जो है उसके नीचे चला जाए। चाशनी को मैंने थोड़ा गर्म किया है, ज्यादा गर्म हमें नहीं करना है। इस तरह हमें शुगर सिरप लगाना है। शुगर सिरप लगा दिया है, अब पिस्ता से और बादाम से हम इसकी गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी घेवर बनकर तैयार हुआ है, जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा चाशनी वाला घेवर बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। कोई कह सकता है कि हमने इसको घर पे बनाया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में घेवर हमारा बना है। तो चलिए जो हमने रबड़ी बनाई थी उसको भी घेवर पे लगा देते हैं। इस पे अब हम रबड़ी लगा लेते हैं। शुगर सिरप हमने लगा ली है, इस तरह की हमें रबड़ी रखनी है, ज्यादा हमें टाइट नहीं करनी है। रबड़ी मैंने लगा ली है, अब इस पे हम लगा देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो बादाम पिस्ता से हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमारा रबड़ी वाला घेवर भी तैयार हो गया है, कितना अच्छा यम्मी और डिलीशियस घेवर हमारा बनकर तैयार हुआ, और देखने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि इच्छा हो रही है कि अभी इसको तोड़ के खा लें। सही कह रही हूँ ना? इस तरह देख के हमारे दोनों घेवर बहुत ही सुंदर और यम्मी लग रहे हैं। कुछ ऐसे टिप्स है जिसका कि हमें ध्यान रखना है घेवर बनाते समय। एक तो जब हम बैटर डालेंगे घेवर को फ्राई करते समय, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, और बिल्कुल ऊंचाई के साथ डालना है, और गैस की फ्लेम को कम नहीं करना है, फुल फ्लेम पे हमें घेवर बनाना है। और जो इसका बैटर होगा बिल्कुल उसको चिल्ड रखना है। आधा बैटर लेंगे हम, थोड़ा फ्रिज में रख देंगे, थोड़े से घेवर बनाएंगे, फिर बचे हुए को हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह हमें घेवर बनाना है ताकि बैटर जो है हमारा चिल्ड रहे, ठंडा रहे। जितना ठंडा रहेगा उतनी अच्छी इसमें जाली बनेगी। और घेवर के बैटर में जो हमने लेमन जूस मिलाया था वो जरूर आप मिला देना, उसको स्किप नहीं करना। बस यही कुछ खास बातें थी जिसका कि हमें ध्यान रखना है। बर्तन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन पेंदा जो है उसका मोटा लें आप। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।